हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का टैग पीसीजी पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम एक गेमिंग माउस की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं रेडड्रैगन का गेमिंग माउस, जो कि आप काफ़ी यूट्यूबर्सों के पास देख सकते हैं और लाइव स्ट्रीम्स गेमिंग जो भी वीडियो बनाते हैं उनके पास यही गेमिंग माउस मिलता है। सो काफ़ी अच्छा है माउस और काफ़ी इसमें फैसिलिटी है और इसके अंदर काफ़ी सारे मतलब कम पैसों में भी है ये, और आज हम इसकी पूरी अनबॉक्सिंग आपको दिखाएंगे। सो नीचे आप देख सकते हैं बारकोड, और मैं अभी पूरा फ्रंट से और साइड से आपको पूरा एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप कौन सा है, कौन सी मॉडल से, तो इसके बारे में आपको पूरी चीज़ बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ऊपर रेडड्रैगन, जो कि कंपनी का नाम है रेडड्रैगन M601, और यहाँ पर आप DPI देख सकते हैं 3200 एंड 8 ट्यूनिंग वेट इसका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नीचे हमें देखते हैं 5 प्रोग्रामेबल बटन, और नीचे उसके नीचे हमें रेड लाइट दे रखी है, और नीचे गोल्डन इसमें हमें USB कनेक्टर दे रखा है, और ये हमें वायर का दिखा रखा है। साइड में हम देख सकते हैं हाई स्पीड, हाई प्रसेशन, हाई परफॉर्मेंस। सो आप इसको देख सकते हैं, अभी साइड से मैंने आपको पूरा दिखा दिया, और इधर साइड्स में भी इसमें यही लिखा हुआ है बस, ऊपर कंपनी का नाम, तो नीचे आप देख सकते हैं वेट सब कुछ वही है, और पूरी वही चीज़ बताएंगे, साइड से भी हम दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडड्रैगन, और साइड्स में आप देख सकते हैं सेंट्रोफोरस गेमिंग माउस, और नीचे आप देख सकते हैं और भी इसमें कुछ नोट्स लगा रखे हैं, और इसकी रेट्स देख सकते हैं 1290, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके वो साइड से आपको दिखाते हैं 3200 DPI, 6 बटन इंग्रोगेमिक गेमिंग माउस, और यहाँ नीचे इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि 10 ग्राम एंड 10 मिलियन क्लिक ड्यूरेबिलिटी, और इसके अंदर हम पूरी अनबॉक्सिंग दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको पूरा गेमिंग माउस दिखाते हैं कैसे इसके अंदर लाइट्स चलती हैं, रेड किस तरह अमेजिंग लगता है, और 5 बटन्स कहाँ कहाँ पर इसमें हम दे रखे हैं क्लिक्स। और अब हम आपको पूरा खोल के स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं गेमिंग माउस, और ये हमें कुछ मिलती है डायरीज, सो अब हम इसे देखते हैं, बस इसे आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, इस साइड में रख सकते हैं। सो अब हम इसे निकालते हैं गेमिंग माउस को, जो कि हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह, रेड एंड मैट ब्लैक, और मतलब कोडिंग कितनी अच्छी है एकदम, नीचे ड्रैगन्स भी है, एंड यहाँ पर हमें आप देख सकते हैं मैंने इसे अनबॉक्सिंग कर लिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बीच में सेंटर में लाइट चलेगी जो कि हमारी DPI बढ़ा सकती है, एंड अगर हम क्लिक्स को करेंगे सो हम आपको पूरी दिखाएंगे एक एक करके DPI इसकी कैसे बढ़े। एंड उसके बाद हमें साइड से यहाँ पर हमें 2 बटन्स मिलते हैं, एंड उसके बाद हमें कुछ बॉल्स मिलती हैं और कुछ लाइट्स से मिलती है साइड से भी, और यहाँ पर भी लाइट से चलेंगी रेड लाइट्स, काफ़ी अमेजिंग लगेगा ये जब आप घर में देखेंगे। यहाँ पर राइट साइड भी आप देख सकते हैं लाइट से चलेंगी इधर, और उसके बाद पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का नाम दे रखा है, लोगो दे रखा है, और यहाँ पर कुछ इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, और आप नीचे देख सकते हैं कि हर गेमिंग माउस में नहीं मिल सकता, कोई माउस में नहीं मिल सकता, लेकिन इसमें दे रखा है, इसे हम इसका वेट्स बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अब हम इसकी पूरी खोल के दिखाते हैं आपको कैसे ओपन होता है, ओपन हो चुका है, इसके अंदर हमें 8 दे रखे हैं टर्निंग इसमें वेट, जो हम इसे कम भी कर सकते हैं, निकाल के लगा दिया हम इसे वैसे वापसी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं USB जो कि हमारी गोल्डन कलर की है, और यहाँ पर आप वायर भी देख सकते हैं, मैंने आपको वायर बताई थी ब्रांडेड केबल, जो कि ब्रांडेड केबल है ये रेड, और ये काफ़ी मतलब अच्छी वायर है, और हम इसे पहले USB को लगाते हैं इसके अंदर अपने लैपटॉप के, और यहाँ देख सकते हैं आप लाइट्स जल रही हैं रेड, कितनी अच्छी लग रही है, साइड से भी आप देख सकते हैं लाइट्स, और फ्रंट से भी राइट साइड से भी देख सकते हैं इसमें कुछ लाइट्स मतलब रेड लाइट्स में चल रही हैं, पीछे तो वो जलती है, जबकि नीचे आप देख सकते हैं ड्रैगन्स दे रखा है, ड्रैगन्स में लाइट्स मतलब तेज़ हो रही है और मंदी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं DPI, अगर हम इस DPI को क्लिक करेंगे तो अभी लाइट चली, बढ़ रही DPI, और ये हाई हो गई और ये लो हो गई DPI, अभी मीडियम एंड ये हाई, और ये बिल्कुल अल्ट्रा हाई जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अब हम दिखा देते हैं, और यहाँ पर हमें जो मिलता है इसकी मूविंग, और यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है ये एकदम देखने में भी माउस, और इसको अंधेरे में अगर हम जलाएं कितना अमेजिंग लगेगा ये, और बस अभी ये कीबोर्ड माउस की मतलब कीबोर्ड रहेगा गेमिंग कीबोर्ड, उसकी मैं बहुत जल्दी कराऊंगा अनबॉक्सिंग की वीडियो। सो अभी हम आपको साइड से पूरी एक एक चीज़ दिखा सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है देखने में भी ये, और अब हम इसे अपने गेम प्ले दिखा सकते हैं, इसकी DPI दिखा सकते हैं हम आपको किस तरह इसकी लो कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। सो अभी हम आपकी DPI दिखा सकते हैं, मेरी इसकी सिर्फ हाई है, अल्ट्रा हाई भी नहीं,
और जबकि इतनी अच्छी है, इसमें हाई भी एकदम मज़ेदार है और लो भी इसमें बहुत अच्छा है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ सोबी में, मतलब इसमें आप देख सकते हैं बटन्स भी नहीं हिल रहे, जैसे अगर हम पबजी में गोली चलाते हैं तो ऊपर हो जाती है एकदम हमारी गन। सो बिल्कुल एक ही जगह चल रही है। और अब हम आपको पूरे दिखा देंगे कैसे कैसे, देख सकते हैं आप इसमें लाइट्स रेड कितनी अमेजिंग लग रही है ड्रैगन्स में भी। और अभी देख सकते हैं यहाँ पर एक और मैं पीसी में भी दिखा दूँ आपको लैपटॉप में। और यहाँ से आप साइड से भी, मैंने जो अभी आपको बताया था दो बटन्स, और यहाँ पर हम वीडियो क्लोज कर सकते हैं उससे। और यहाँ पर अब हम आपको DPI चेक करा देते हैं एक बार, पूरी लो और हाई मीडियम सब DPI दिखा देते हैं। मैं भी यहाँ पर किल हो चुका हूँ, देख सकते हैं मैंने लो कर दी DPI जब इतना अच्छा चल रहा है। और ये हो गई हमारी मीडियम और ये अल्ट्रा हाई, सॉरी वो हाई थी, ये हो गई लो। लो भी कितना अच्छा है एकदम, भाई बहुत कम वर्क कर रहा है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। और ये हो गई मीडियम, जब भी इतना अच्छा, हाई, अल्ट्रा हाई, ओ भाई कितना अमेजिंग है। वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और वीडियो को शेयर करें, और नीचे भाई सब्सक्राइब कर दें, यहीं पर यहाँ सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं। तो चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।